नाजरीन मैं इस वक्त मौजूद हूँ गढ़ महाराजा में। हुकूमत ने टिकटॉक को बंद किया। हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों का क्या कहना है कि टिकटॉक को बंद करना चाहिए था कि नहीं। आप ये बताएं, हुकूमत ने टिकटॉक को बंद किया, आप इस सवाल से क्या कहना चाहेंगे? जी मैं मलिक आसिफ गढ़ महाराजा से बात कर रहा हूँ। टिकटॉक बंद नहीं होना चाहिए, कि इससे हम लुत्फानंदोज़ होते थे, कोई गाने वगैरह सुन लेते थे। हमारी बच्चियाँ हैं वो भी गाने वगैरह सुन लेती थी, इस वक्त वो बहुत परेशान है। मेहरबानी करके इस टिकटॉक को खोलना चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि चीज़ें सस्ती करे। टिकटॉक बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बराए मेहरबानी करके इस पर अमल दरामद किया जाए और टिकटॉक खोला जाए। अच्छा, नौजवान लोगों के लिए टिकटॉक खोलना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, कि इससे ना लुत्फानंदोज़ भी होते थे और टाइम भी पास हो जाता था, अच्छा टाइम पास हो जाता था। जी नाज़रीन, हमारे साथ लोग मौजूद हैं, शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि हुकूमत ने टिकटॉक को बंद किया तो लोगों का इस वाले से क्या कहना है, लोगों के क्या व्यूज़ है? आप ये बताएं कि हुकूमत ने टिकटॉक को बंद किया, आप इस वाले से क्या? अस्सलाम वालेकुम भाई जान, बहुत परेशान है जी, की दसीए तुहानू। टिकटॉक बंद हो गया, कारोबार ख़त्म हो गए। टिकटॉक है ही भाई जान, कोई चार पैसे कमा बंदे आसे, नौकरियां सरकारी लगी हैं कोई ना, ए पोजीशन आ गई है टिकटॉक तो बाद जी, ए देख लो जी, ए चार किन्नू जनाब वाली बेच के घर में टिकटॉक न खोलिया जावे तो बड़ी मेहरबानी हो सी जनाब। तो आप क्या कहना चाहेंगे, टिकटॉक खुलना चाहिए बंद होना चाहिए? ये खुलना चाहिए, गरीब आदमी बहुत परेशान है, काम तो है ही नहीं, तो मेहरबानी करो जो खुलना चाहिए था, तो अच्छी बात है। हाँ जी, खुलना चाहिए जी। आपने टिकटॉक देखा था, ठीक था? नहीं यार, बहुत परेशान था। हाँ तो क्या करे, काम तो है ही नहीं था, काम है नहीं था। हाँ तो मेहरबानी करो तो खोल दो, तो अच्छी बात है। टिकटॉक खोल दें? हाँ, टिकटॉक हुकूमत ने बंद किया, खोलना चाहिए कि नहीं? खोलना चाहिए टिकटॉक, लोगों की रोजी का मसला है। हुकूमत ने बहुत महंगाई की है, उसकी महंगाई तो की है, लेकिन टिकटॉक को बंद नहीं करना चाहिए, खोलना चाहिए। टिकटॉक खोलना चाहिए। आप टिकटॉक देखते थे? देखते थे, ठीक था, तो बहुत अच्छा मज़ा आता था। बिल्कुल, मेरे साथ और लोग भी मौजूद हैं। आप ये बताएं, हुकूमत ने टिकटॉक को बंद किया, टिकटॉक को बंद करना चाहिए था कि नहीं? मैं गढ़ महाराजा से ताल्लुक़ रखता हूँ, कैसर आबाद। टिकटॉक को बंद नहीं होना चाहिए था, लुत्फानंदोज़ होते थे हम, हमारे बच्चे भी लुत्फानंदोज़ होते थे, ताकि इसको फेल वक्त खोलना चाहिए फौरी तौर पर। महंगाई को कम करना चाहिए, टिकटॉक को नहीं कम करना चाहिए। बस ठीक, टिकटॉक को बंद कर दिया तो आप इस वक्त से क्या कहना चाहेंगे? एक लिहाज से तो ये अच्छा अमल है, इससे ये है कि टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा बेहयाई हो गई थी, वो कम हो जाएगी। दूसरा ये है कि टिकटॉक से बहुत ज़्यादा बहुत पाकिस्तानी आवाम है जो पैसे कमा रही है, उनके मतलब नुकसान भी हुआ है। हुकूमत को ये चाहिए कि पाबंदी ना लगाए, लेकिन ये है कि कुछ शरायत बना दे कि ये बेहयाई नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस रखे तो वो ठीक रहेगा। तो लोगों ने तो एक ऐप्स के ज़रिए टिकटॉक को चला लिया, तो फिर हुकूमत का बंद करने का क्या फ़ायदा है? हुकूमत को तो अवाम ने ही कहा है ना कि बेहयाई फैल रही है, तो हमारा मुल्क जो है ना इस्लामी मुल्क है, तो इस्लाम को के रूल्स को ही फॉलो करना चाहिए, इसलिए बेहयाई को बंद करने के लिए ये किया गया है। हुकूमत का भी एक तरह से लिहाज, ये कानून तो ठीक है कि बंद कर दिया, लेकिन अगर इससे बेहतर ये है कि अगर शराइत लागू कर दी जाए, चेक एंड बैलेंस रखा जाए, तो वो बिल्कुल अच्छा इकदाम होगा। जी नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों की गुफ्तगू सुनते हैं, मेरे साथ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि टिकटॉक के हवाले से लोगों का क्या कहना है। जी बिल्कुल, टिकटॉक बंद होना चाहिए। टिकटॉक के ज़रिए बहुत सी आवाम फजूल वक्त ज़ाया करती है, वही लोग जो हमारा मुल्क इस्लामी मुल्क है, इसलिए जो लोग टिकटॉक पे अपना वक्त ज़ाया करते हैं, वो इधर इस्लामी मुल्क होने के नाते अपना वही सर अपना दीन पे वक्त ज़ाया करें। और मेरे नज़रिए के मुताबिक हुकूमत ने बहुत अच्छा किया है कि टिकटॉक बंद कर दिया है। ये बताएं कि हुकूमत को महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए, हुकूमत महंगाई पे तो कंट्रोल नहीं कर रही, इस सवाल से आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर कंट्रोल करें, अगर उसको महंगाई को कंट्रोल नहीं हो रहा तो हुकूमत को चाहिए कि अपनी हुकूमत छोड़ दें और दूसरी किसी हुकूमत को महंगाई कम करने का मौका दिया जाए। इसलिए हमारा तो मुकम्मल कोशिश यही है कि महंगाई को बिल्कुल कम होना चाहिए, क्योंकि गरीब आवाम आटा चीनी और दाल लेने से भी तंग है, उनकी मजदूरी सिर्फ 500-600 रुपए पर डे है, तो 500 का एक आदमी अपना आटा ही ले ले तो उसको चीनी नहीं आती, अगर चीनी ले ले तो आटा नहीं आती, आवाम भूख से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मर रही है। हुकूमत ने टिकटॉक को बंद किया है तो इसे खोलना चाहिए बंद? इसे खोलना चाहिए, इससे तकरीबन ही बड़ी जनाब परेशानी बात बहनी है, तो गरीबी बात बहनी है, सही कारोबार है, खुलना चाहिए है। टिकटॉक तुम देखते थे? देखते हैं, सही था, बिल्कुल ठीक।
खुलना चाहिए ऐसे जनाब गरीबों की ढेर सारी तकरीबन ये दुआ बर्बादी है जनाब, ऐसे महंगाई ज्यादा हो रही है तो इसन खुलना चाहिए है। लोग हाँ लोग काफ़ी रोज लोगों का रोजगार आई इस वाबस्ता बनाईदा हूँ। आप ये बताएं हुकूमत ने टिकटॉक को बंद किया, टिकटॉक बंद होना चाहिए था कि नहीं, वो इस वाले से क्या कहना चाहिए? अच्छी बात है कि टिकटॉक बंद हो गया क्योंकि घर की लड़कियां और बच्चे का माहौल ख़राब हो रहा था, क्योंकि जो स्टूडेंट हमारी लाइफ जा रही है बच्चों की वो सारा दिन यही मोबाइल पे टिकटॉक देखते रहते थे, जिसकी वजह से उनकी दिमागी तवाज़न सही नहीं रहता था। तो लोग इसमें पैसा भी तो कमा रहे थे। पैसा तो कमा रहे थे लेकिन कुछ और चीज़ के लिए कमाएं, ये इस्लामी हमारा मुल्क है, इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, तो ऐसे काम करते हुए उनको शर्म नहीं आती पैसा कमाने के लिए? कोई और मजदूरी करें, मेहनत मजदूरी करें जिससे वो हलाल की कमाई अपने बाल बच्चों को भी खिलाएं। भाईजान हुकूमत ने टिकटॉक को बंद किया, आप इस सवाल से क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से टिकटॉक का कोई नुकसान नहीं है पाकिस्तान में, कोई मसला ही नहीं है। जो काम हुकूमत को करने चाहिए वो हुकूमत करती नहीं है, ऐसे फजूल काम देखो तो ये रोज़ करते रहते हैं। टिकटॉक बंद नहीं होना चाहिए, होना चाहिए था। इनका हक बनता चीनी सस्ती करें, घी सस्ता करें, आटा सस्ता करें, उस तरफ ये जाते नहीं है। अच्छा टिकटॉक का क्या फ़ायदा है आवाम को? नुकसान क्या है? कोई नुकसान ही नहीं है, अगर फ़ायदा नहीं है नुकसान ही नहीं है कोई। उसमें लोग फ्रेश होते हैं? फ्रेश होते हैं बस, और क्या होता है। अच्छा भाई जान ये बताएं हुकूमत ने टिकटॉक को बंद कर दिया, आप इस सवाल से क्या कहना चाहिए थे, ये सही काम किया है कि गलत किया है? ये देखें बिल्कुल गलत काम है, टिकटॉक बंद नहीं करना चाहिए था। और बाकी पाकिस्तान के मसाइल आप लोगों के सामने ही हैं, चीनी बढ़ रही है, घी का रेट काफ़ी चला गया ऊपर, और उसके बाद खाने पीने की सब एशिया की हुकूमत इसकी, ये मैं यही कहूँगा ये हुकूमत की नाकस कारकर्दगी है। ये टिकटॉक बंद करने का क्या क्या हासिल कर सकते हैं, ये किसको अंदर करेंगे ये टिकटॉक बंद करके, या किसके खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, या इसका इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? तो ये एक अच्छा प्लेटफार्म था लेकिन आज वो भी उन्होंने बंद कर दिया, ये मेरे ख्याल में ये बहुत ही गलत फैसला है हुकूमत। टिकटॉक बंद नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया, ओके। अच्छा आप ये बताएं हुकूमत ने टिकटॉक को बंद कर दिया, आप इस सवाल से क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही गलत फैसला है, आवाम मसरूफ रहती थी, इंजॉय करती थी, लेकिन आवाम की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं इन्होंने बंद कर दी हैं, जो काम करने का वो तो कर नहीं सकते। इनसे पूछें कि चीनी महंगी हुई है, ये कहते हैं शहबाज शरीफ को पकड़ लें, घी महंगा हुआ कहते हैं शाहिद खान अब्बासी को पकड़ लें, ये कोई काम तो हुआ नहीं है, बगैरती में लगे हुए हैं सब। टिकटॉक बंद नहीं होना चाहिए था? नहीं, खुला रहना चाहिए आवाम को, चलो मज़ा तो आए। ठीक है, अच्छा आप ये बताएं टिकटॉक हुकूमत ने बंद कर दिया, आप इस सवाल से क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत गंदा काम किया इमरान खान ने, दो दिन से ये हमारे साथ बहुत गंदा हो रहा है। पहले हम फ्रेश रहते थे, टिकटॉक बनाते थे, अब हम फ्रेश नहीं रहते। इमरान खान को चाहिए ये टिकटॉक खोल दे। टिकटॉक खोलना चाहिए? यस। बंद किया, आप इस सवाल से क्या कहना चाहेंगे? जी मैं मलिक आसिफ गढ़ महाराजा से बात कर रहा हूँ। टिकटॉक बंद नहीं होना चाहिए, इससे हम लुत्फानंदोज होते थे, कोई गाने वगैरह सुन लेते थे, हमारी बच्चियाँ वो भी गाने वगैरह सुन लेती थी, इस वक्त वो बहुत परेशान है। मेहरबानी करके इस टिकटॉक को खोलना चाहिए, और हुकूमत को चाहिए कि चीज़ें सस्ती करे, टिकटॉक बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बराए मेहरबानी करके इस पर अमल दरामद किया जाए और टिकटॉक खोला जाए। अच्छा नौजवान लोगों के लिए टिकटॉक खोलना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, कि इससे ना लुत्फानंदोज भी होते थे और टाइम भी पास हो जाता था, अच्छा टाइम पास हो जाता था। जी नाज़रीन जैसे कि आप लोगों की गुफ्तगू सुना, आप ये बताएं हुकूमत ने टिकटॉक को बंद किया है तो टिकटॉक बंद होना चाहिए कि नहीं? ना खोलना चाहिए जी, ये 2 किलो में ए आटा ले बना सर, मेहरबानी थोड़ी मेहरबानी, महंगाई बड़ी हो गई है, ये 2 किलो आटा ना 7 बच्चे मक्की दे पालना, महंगाई इतनी हो गई है सर, आके वेखो मेरे बच्चे इस टाइम तो रोंदे पर आटा कोई नहीं सर, खोलिया जाए मेहरबानी करे, तुसा मेहरबानी करो जनाब मेरे हर शक खोलो, मैं तो घ्यो ही एडा मांगा, आके वेखो मेरे बच्चे राती दाल ही कोई नहीं जेडे मैं खवाई बच्चे, हर शह सस्ती होनी चाहिए, हाथ जुड़े ने हाथ जुड़े ने अल्लाह के ना सू नमार, मेहरबानी शुक्रिया। हुकूमत ने बंद किया, आप क्या कहना चाहेंगे? टिकटॉक खुलना चाहिए और आवाम गरीब आवाम परेशान है, और उनके लिए ये टिकटॉक खोलना चाहिए, ज़रूरी है, आवाम गुरबत की वजह से परेशान है। आपने टिकटॉक कभी लिए थे? हाँ जी। तो आप अब टिकटॉक नहीं है तो आप इस सवाल से क्या कहना चाहेंगे? परेशान है, हम कहते हैं ये टिकटॉक होना चाहिए, टिकटॉक खोलना चाहिए। हाँ जी। टिकटॉक की जगह लकड़ी डाल दी, टिकटॉक किधर से लिया था? टिकटॉक मंगवाया था, अब नहीं है, अब नहीं है, अब बहुत परेशान है। Look at
गरीब आदमी परेशान है और ये टिकटॉक चलना चाहिए, हर किसी लिए कारोबार का मसला है। आपने टिकटॉक लिया था कभी? जी हाँ। कितने लिए थे? तीन चार लिए थे। तीन चार। हाँ। आप इधर अब क्या कर रहे हैं?